गोपाल गर्ग। गोपाल दास सर, मैं टोहाना से कल सरसा आया था, तो हमने शिमला जाना था। जैसे तो हम यहाँ शॉपिंग करने के लिए ट्रेड शोरूम में गए, तो सर जब बाहर निकलने लगा तो गेट खोलते ही ये कंच का सारा सामान मेरे ऊपर आ गिरा, और ऊपर इनका इलेक्ट्रॉनिक सामान। लेकिन जब इन्होंने फिर भी मेरे ऊपर गिरने के बाद इन्होंने कोई हॉस्पिटल वगैरह में वो नहीं की, जबकि मेरे जो परिवार के लोग थे ये मुझे हॉस्पिटल ले गए। और ऊपर से ये कहते हैं कि ट्रेडर्स वाले कहते हैं हमारे लिंक मोदी जी और मुकेश अंबानी जी से हैं, तो मुकेश अंबानी जी से इनके लिंक है तो क्या आदमी की जान लेंगे? तो मैं चाहता हूं सर कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आगे किसी और के साथ ये कॉर्पोरेशन ना हो सके। सर तो उसके सर मैं आगे था, मेरी मिसिज और बच्चे मेरे थोड़ा पीछे थे, ये बस बच गए। ललो शीशा मैंने खोला, मेरे ऊपर ही गिरा। मैं इनकी वाइफ हूँ सरोज गर्ग। मैम जब हम यहाँ से कपड़े लेने के लिए अंदर गए शोरूम में, तो जैसे ही बाहर निकले तो इनके ऊपर जैसे ही सारा पूरा जो शोरूम के आगे जो शीशा था गेट का, वो सारा इनके ऊपर आके गिर गया एकदम से। और ये मैडम हमें हॉस्पिटल में आके हमें कहने लगे थे, मैं तो अंबानी का हूँ, तुम क्या कर लोगे ऐसे ही वैसे बताओ। हाँ जी, हमने दो उनके वो आए थे कर्मचारी आ गए दोनों। ये तो ये देखने के लिए है मैडम कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कि पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बस ये कहते हैं जी। अपना पुलिस को हमने बोल दिया था, लेकिन अभी तक पुलिस नहीं आई है। देखिए अगर जब हम शॉपिंग करने गए और जब हम बाहर निकले तो मेरे पापा ने गेट खोला, और वो सारा शीशा का गेट जो था वो सारा ऊपर गिर गया मेरे पापा के। वो तो बचत थी कि थोड़ा सा हुआ नहीं, ये अब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होंगी। वो तो कहते हैं कि हम तो बड़े बड़े लोग हैं, पीएम मोदी से लिंक है, अंबानी से है, फिर अंबानी से है तो क्या लोगों के जान लोगे सारों की? हम तो चाहते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको जेल हो। ये 12:30 के करीब थी आज की तीन नहीं बाहर निकलते हुए, नहीं हमने हमें कुछ पसंद नहीं आया, हम बाहर नहीं आया, हम बाहर आ गए थे इसलिए। सर मैं कल आया था सर, मेरे ससुराल है सर, अग्रसेन कॉलोनी सूर्य होटल वाली गली में सर। हेलो, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी सर, पहरेदार भारत न्यूज चैनल से हैप्पी सिंगला बोल रही हूँ। एक सेकंड मैडम। कहाँ से मैडम? पहरेदार भारत न्यूज चैनल से हैप्पी सिंगला बोल रही हूँ सर। हाँ जी मैडम बोलिए। अभी आप स्टोर में गए थे ना अभी? हाँ जी हाँ जी। तो सर अभी जो स्टोर के अंदर हादसा हुआ है शोरूम के अंदर, वो पूरा मामला क्या है सर? हाँ जी, जो शोरूम के अंदर हादसा हुआ है, शीशा वगैरह गिरा है, वो पूरा मामला क्या है सर जी? एक्चुअली मामला ऐसा है, कस्टमर हमारे शॉपिंग के लिए आए होंगे, एग्जिट ले रहे थे, उन्होंने जैसे डोर खोला, डोर ऑटोमेटिक अपने आप ही टूटा और उनके ऊपर गिर गया। उसके बाद मैं उन्हें हॉस्पिटल के लिए ट्रीटमेंट के लिए लेके आया हूँ। अभी मैं वही सब उनका हॉस्पिटल का क्लियर करवा रहा हूँ। हाँ जी, ये हुआ था मैडम। पेशेंट का ये कहना है कि हॉस्पिटल वो खुद आए हैं, तो उनके साथ बहुत ही बदतमीजी से बात की और अंडा मेहरबानी की दोष जमाई गई। अरे मैडम, मैं तो सीधा खड़ा हूँ, उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, उनके साथ आया हूँ। मैंने उनको बोला कि पहले ट्रीटमेंट होना जरूरी है पेशेंट का, आपको जो भी वो करना है आप कर लीजिएगा बाद में, पहले पेशेंट जरूरी है, जिसको चोट लगी पर्सन ठीक होना जरूरी होता है। तो उनका मैं ट्रीटमेंट सारा करवा चुका हूँ, मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, उनके बिल क्लियर करवा रहा हूँ, डॉक्टर से उसकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट लेके मैं आ जाऊँगा स्टोर में। ओके, थैंक यू सर। ओके। ERG नेशनल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसा, स्पेसियस बिल्डिंग्स with playground and auditorium, highly qualified and experienced faculty, well-stocked library, well-planned curriculum disciplined environment. GRG school Sirsa play school, छोटे बच्चों के लिए ज्यादा सुविधाएं और कम खर्चा, पहले आए पहले पाए, सीटें लिमिटेड। GRG नेशनल गर्ल्स
सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बी ब्लॉक नियर दुर्गा मंदिर, सीएमके कॉलेज रोड, सिरसा। मोबाइल नंबर 9416727979, 7015173442।